गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ आपको सत्संग में बताई हुई बातें बताऊंगी। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि एक सत्संगी जो होता है वह नामदान लेता है तो उसकी जिम्मेवारी उसके सतगुरु की हो जाती है और वह सतगुरु से यही समझाता रहता है कि अपना जो है सिमरन करें। लेकिन सत्संगी पर एक मन इतना भारी क्यों हो जाता है, क्यों उसका ध्यान सिमरन पर क्यों नहीं जाता? सत्संग जी, जैसा कि आपको पता है कि मन जो होता है हमसे कई तरह के जो बुरे और अच्छे काम करवाता है, वह नहीं चाहता कि हम जो है इस चाल काल के चक्कर से बाहर निकले, इस 84 के जामियों से बाहर निकले, क्योंकि काल को यही ड्यूटी दी गई है कि इस आदमियों के मन में जो इंसान है उनके मन में ऐसी ममता भर दो, ऐसा जो आप भर दें कि वह हर समय अपने परिवार के बारे में सोचता रहे, कभी ये ना सोचे कि उसने सिमरन करना है। सत्संगत जी, जैसा कि हमें पता है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो अकेले आते हैं, हमारे साथ कोई नहीं जाता, और जब हम इस दुनिया में जाएंगे तो हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। हमारे जो परिवार वाले हैं वो 2-3 दिन का शौक मनाएंगे और उसके बाद फिर वह नॉर्मल हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जो इंसान चला जाता है उसके लिए जो है ये ज़रूरी होता है कि वो सिमरन करें, क्योंकि जब हमें यमराज के पास लेकर जाते हैं तो वो हमसे हमारे अच्छे बुरे कर्मों के बारे में ज़रूर पूछते हैं। अगर तो हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें स्वर्ग दिया जाएगा, हमें दान पुण्य किए होंगे तब भी हमें जो है स्वर्ग ही मिलेगा। लेकिन स्वर्ग में ऐसी कोई अवस्था नहीं है कि हम सिमरन कर सकें, क्योंकि स्वर्ग में इस तरह की हमें सुविधा दी जाती है जिससे हम नाम सिमरन करना बिल्कुल भूल जाते हैं। और जो प्राणी जो है जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उन्हें नरक मिलता है, नरक में इस प्रकार की यातनाएं दी जाती है जैसे उसने अपनी ज़िंदगी में दूसरे लोगों को दी है, और उसे पूरी तरह पीटा जाता है। क्योंकि जब हमें मानुष जन्म जो है बड़ी मुश्किलों से मिलता है, लेकिन हम उस मानुष जन्म को व्यर्थ कर देते हैं, हम ऐसे भोग पदार्थों में लग जाते हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। जब इंसान को मनुष्य जन्म नहीं मिलता, जब माता के गर्भ में होता है तो वह कहता है कि हे महात्मा, हे सच्चे परमात्मा, हम मुझे यहाँ से निकालें ताकि मैं सिमरन करूं और इस 84 के जमे से जेल खाने से जो है मैं बाहर निकलूं। लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता, वह और ही इसमें फंसा जाता है, क्योंकि ये जो सृष्टि है वह एक प्रकार का माया का चक्कर है और समय किसी के लिए नहीं बहता। उम्र के साथ साथ हमारी उम्र जो है ढलनी शुरू हो जाती है और हमारी ज़िंदगी का अंत आना शुरू हो जाता है। सत्संग जी, महात्मा यही समझाते हैं कि जब भी समय मिले आप सिमरन कीजिए, लेकिन मन जो होता है वह हमारा हमें सिमरन नहीं कर देता। हमें मन को कैसे समझाना है, हमें जैसे भी कर अपने मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। और मन को हावी हम कैसे नहीं होने देंगे, सिर्फ सिमरन की ताकत से। जो सिमरन की ताकत है वह हमने जो है अपने मन को शांत करने का मौका देगी। जब हम सिमरन पर बैठते हैं तो एक बार हमारा मन कहता है कि मैं नहीं उठूंगा, लेकिन हम अपने साथ जबरदस्ती कर उठते हैं, तो सात संगत जी हमें भी जो है रोज़ अपनी ड्यूटी निभानी है, रोज़ सिमरन करना है। जो रोज़ सिमरन करते हैं सतगुरु उनके साथ हमेशा रहते हैं। तो सात संगत जी, आप भी सिमरन पर पूरा ध्यान दीजिए और अपने मन को कभी अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, अगर हमने रोज़ ही सिमरन कर लिया तो हमारा मन जो है इस जो दुनियादारी की बातों में निकल कर जो है सतगुरु की शरण में
लग जाएगा। तो सत्संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, और सभी सत्संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।